हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक साइड बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, शेप, इसमें आज हमने दो पॉकेट साइड में दी हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो पॉकेट हमारे पास यहाँ पर हैं। दो पॉकेट, एक पॉकेट इधर है, एक पॉकेट इधर है, एक पॉकेट बीच में है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 8x10 इंच 2 पीस क्विल्टेड, 4x18 1 पीस क्विल्टेड, 4x11 इंच 1 पीस क्विल्टेड, 8x10 2 पीस लाइनिंग, 4x5 2 पीस लाइनिंग, जिप 11 इंच 1, 10 इंच 2, 4 इंच 2, रनर 10 पीस, बेल्ट 50 इंच 1, 3 इंच 1, बकल 1, डी लूप 1, लेस 20 इंच 1 पीस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम 8x10 इंच के पीस से। कुछ मेजरमेंट करेंगे, किसी भी एक साइड से 2 इंच अप जाएंगे, निशान लगाएंगे, फिर 4 इंच अप जाएंगे और निशान लगाएंगे, लाइन खींच लेंगे दोनों में। और ये जो 2 इंच है नीचे वाला, इसमें हम ये लेस लगा देंगे। अब इस जो 4 इंच के डिस्टेंस पे जो लाइन खींची थी, इसको कट करेंगे और इसमें जिप लगा देंगे। दो रनर डाल देंगे। अब 8x10 इंच की एक लाइनिंग लेंगे, इसके पीछे रखेंगे और चारों तरफ से पैक कर देंगे। यहाँ पर आप ये जो कटिंग देख रहे हैं, ये अभी बीच में लाइट चली गई थी और मैं बोलती चली गई, कटिंग भी कर दी, तो उस वजह से ये बता नहीं पाई मैं। यहाँ पे आप लोगों को फिर से स्पष्ट कर दे रही हूँ, लाइट ना होने की वजह से लाइट सही नहीं आ रही थी इस पर, तो मैंने फिर ये लाइनिंग इतनी जोड़ के रोक दिया है। और ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, ये कटिंग जो है, ये जो 4 इंच है, यहाँ से मैंने इसको कट किया है, हल्का सा शेप दिया है। तो ये जो शेप है आपके हिसाब से, जैसे कि मैंने एक इसमें 4x11 इंच का क्विल्टेड पीस लिखवाया है, तो उसके हिसाब से जब आप इसको कटिंग कर लेंगे, तो जो 4x11 इंच का पीस है जिसमें हम जिप लगाएंगे, बिन पॉकेट होगी, तो उसके हिसाब से आपको वो 4x11 इंच का पीस लेना होगा। ये शेप आपकी मर्जी के हिसाब से होगा। मैंने तो 4 इंच से, ये 4 इंच पे यहाँ पे ये जो निशान लगाए थे उसके हिसाब से पट्टी ली थी और शेप दिया था। और मेरे पास ये ऑर्डर आते रहते हैं इस तरह के बैग के, तो मैंने ये शेप ऑलरेडी काट के रखा हुआ है। तो इस तरह से आप भी काट लें और बस इसको रखें क्विल्टेड पीस पे और शेप लगा के काट दें, तो एक परमानेंट आपके पास शेप बना रहेगा। तो इसको इस तरह से तैयार करना है और पीछे लाइनिंग लगा देनी है। और इस तरह से ये हमारे पास 2 पीस तैयार हो गए। अब हम लेंगे 4x11 इंच का पीस और 11 इंच की जिप, इसको बीच में से कट करेंगे यहाँ से। अब हम लेंगे 3 इंच की बेल्ट, डी लूप, 50 इंच की बेल्ट और एक बकल। ये 3 इंच की जो बेल्ट है इस डी लूप में फंसाएंगे इस तरह से, और जो जिप है इस पर यहाँ पर सेंटर में रख के सिल देंगे। अब इसके बाद ये बेल्ट लेंगे और बकल लेंगे, बकल में बेल्ट डाल के इस तरह से यहाँ पर डबल सिलाई कर देंगे।
और इस बेल्ट को इस तरह से रखते हुए इसमें फंसाएंगे। ये हमारी बेल्ट आ गई, इसको फिर बकल में वापस पास करेंगे। इसको जो बेल्ट का दूसरा सिरा है इसको फंसाने के बाद यहाँ पर सिल देंगे। अब हम लेंगे 4 इंच की जिप, इसको यहाँ लगाएंगे और एक लेंगे 4x5 इंच का पीस लाइनिंग का। लाइनिंग सबसे नीचे रहेगी, उसके ऊपर ये जिप वाला हिस्सा रहेगा इस तरह से, और इसके ऊपर हम ये जिप लगा देंगे और तीनों को एक साथ सिल देंगे। यहाँ पर ये बकल है, जिप है, क्विल्टेड पीस है, लाइनिंग है, तो यहाँ पे ये इसको हम इस तरह से मोड़ के फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे। तो ये जो कपड़े का लास्ट वाला सिरा है यहाँ पर, इसको डबल मशीन चला करके, मतलब एक मशीन यहाँ लास्ट में भी चला देंगे जिससे कि पूरा पैक हो जाएगा। फिनिशिंग हमें अंदर देनी है, ये कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा। डबल सिलाई एक हमने लास्ट में दे दी है और एक पहले जो दी थी। अब दूसरे साइड भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। इसको इस तरह से पैक करने के बाद 4x18 इंच का जो पीस है इसको लेंगे, मेजरमेंट करेंगे। इसमें एक सिरे पर 4 इंच इधर निशान लगाएंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ 4x4 का एक निशान है और इस तरफ 4x4 का निशान है, बीच में ये हमारा 10 इंच है। अब इस जो जिप का दूसरा हिस्सा है उसको यहाँ रखेंगे। अब इसमें फिनिशिंग आसानी से हो सकती है तो इसमें हम यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। सेम प्रोसीजर में जो दूसरी तरफ की जिप है उसको इधर जोड़ देंगे। फिनिशिंग देने के बाद अब इसमें हम रनर डाल देंगे। इस तरफ एक तरफ जो खुला हुआ हिस्सा है उधर रनर डालने के बाद अब इस लाइनिंग को हम यहाँ पर, ये थोड़ी मैंने बड़ी ली है, इस तरह से सीधा रखेंगे और इसको जो लाइन खींची है बस यहाँ से इसको हमें पैक कर देना है। ये लाइनिंग मैंने थोड़ी बड़ी ही ली है। दूसरी तरफ रनर डालेंगे, रनर डालने के बाद इसको पलटेंगे इसी तरह से, और ये जो पीछे निशान है इसको हम, अब आगे से तो हम इसको नहीं सिल सकते, तो जो पीछे निशान है इसको हम अंदर की तरफ लगाएंगे यहाँ पर, और दूसरे साइड से भी 4 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। अब इसको हमें इस तरह से सिलना है, सब बेल्ट वेल्ट हटाते हुए इसको बराबर रखेंगे। जो ये निशान लगाया है यहाँ तक इस लाइनिंग को हम सिल देंगे दोनों साइड से। अब इसको हम इधर से, ये जो लाइन खींची थी यहाँ से नीचे लाइनिंग को ठीक करते हुए अब इस पर मशीन चलाएंगे, और ये हमारी साइड की पॉकेट कंप्लीट हो गई। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अब जिप को, जो ऊपर वाली जो हमारी 11 इंच वाली जो जिप है उसको साथ में मिलाते हुए इधर से इधर, दोनों साइड से मिलाते हुए यहाँ ऊपर सेंटर मार्क करेंगे और इसी तरह बॉटम की तरफ भी सेंटर मार्क करेंगे। अब इसके बाद ये दो पीस लेंगे। तैयारी हमारी सारी हो गई है, अब हमें केवल इसको आपस में जोड़ना है, और इसी तरह से इसमें भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे बॉटम की तरफ बराबर से रखते हुए ऊपर की तरफ। बाकी आप लोग जानते हैं तब भी मैं बता दूंगी। इसको उल्टा करेंगे इस तरह से, और पहले हम बॉटम जोड़ेंगे। बॉटम का सेंटर, ये हमारा सेंटर है,
जहाँ हमने कट का निशान लगाया था और यहाँ पर हमने कट का निशान लगाया था, इन दोनों को यहाँ मिला करके पिन लगा देंगे और ये ऊपर वाला, ये हमारा कट का निशान है और ये कट का निशान है, इसको मिला के यहाँ पिन लगा देंगे। पहले बॉटम जोड़ेंगे और फिर पूरा राउंड एडजस्ट करते हुए, क्योंकि ये गोल जब कट जाता है तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है कपड़ा, कपड़े की जो कपड़ा कट, जब गोल कपड़ा कटता है तो थोड़ा सा खिंचाव ले लेता है, तो कपड़े के साथ लाइनिंग भी है और कपड़ा भी है, तो फोम तो अपने आप ही खींच जाता है तो कपड़े भी खींचते हैं, इसलिए पिन लगा करके बाकी को एडजस्ट करते हुए सिलना पड़ता है। बॉटम को हम यहाँ पर पूरा बॉटम लगाएंगे, इसके बाद इसको हाथ से देखेंगे कि कहाँ कौन सा पीस बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर बढ़ रहा है तो आपको इस 4 इंच पर ला करके एडजस्ट करना होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक पार्ट परफेक्टली जुड़ गया है। अब ये जो हमने सिलाई की है, अब इसमें हम एक बार मशीन और चलाएंगे, और ये जो डबल मशीन चलाई है ये ऑप्शनल है, आप इसमें चाहें तो पाइपिंग भी चढ़ा सकते हैं अंदर। अब इसी जैसे ये जोड़ा है इसी प्रोसीजर में सब बेल्ट अंदर करते हुए हम दूसरा पार्ट भी जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, अब पहले इसको खड़ा करके देखेंगे, ये एकदम परफेक्ट जुड़ गया है। अब इसमें हम डबल मशीन चला देंगे, इसमें हमने डबल मशीन चला दी है और ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सीधा करके देखेंगे, ये देखिए एकदम परफेक्ट जुड़ गया है और ये बैग हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया, ये देखिए है ना। साइड में हमने दो छोटी पॉकेट दे दी हैं और फ्रंट में या बैक में दोनों एक जैसा बना है, जैसे भी आप कहना चाहें, इस तरह से दो पॉकेट यहाँ दी हैं और एक फुल पॉकेट हमने यहाँ पर दी है, इतनी बड़ी है ना। तो ये इस तरह से एक साइड बैग इसको कहा जाएगा, या स्लिंग बैग कह सकते हैं या पर्स कह सकते हैं, तैयार हो गया। और एडजस्टेबल हमने यहाँ पर बेल्ट दे दी है, इसको आप हाथ में भी कैरी कर सकते हैं छोटी बेल्ट करके और कंधे पर भी कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आज हमारा एक छोटा सा बैग तैयार हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके आएगी। नमस्कार।